नालासोपारा में एक अस्पष्ट संरक्षित स्थल के अंदर जिसे सरकार द्वारा भुला दिया गया है एक बुद्ध स्तूप है जो इस बात का प्रमाण है कि सोपारा या शुरपारका जैसा कि ऐतिहासिक रूप से जाना जाता है उस समय बौद्ध धर्म का केंद्र था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ललिता है, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे नालासोपारा के इस ऐतिहासिक स्तूप के बारे में जो कि नालासोपारा निर्मल रोड पर स्थित है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का सफर। इस स्थान का नामकरण संभवतः बोधिसत्व सुपारका के नाम पर हुआ था जिसे गौतम बुद्ध का पूर्व जन्म कहा जाता है। किंवदंती है कि पूर्णा नामक एक व्यापारी द्वारा 2500 साल पहले इस स्तूप का निर्माण किया गया था जिसका उद्घाटन स्वयं गौतम बुद्ध ने किया था। अप्रैल 1882 में पंडित भगवान दास इंद्रजीत ने इस स्थल पर खुदाई शुरू की। स्तूप के साथ उन्हें एक पत्थर के ताबूत, सोने की आकृतियां, मुहरे और बौद्ध देवताओं की 8 धातु की मूर्तियां मिली जो अब मुंबई के एशियाटिक सोसाइटी के संग्रहालय में संरक्षित है। स्तूप के स्थानीय कार्यवाहक अनुसार टीले को स्थानीय रूप से बुरुद राजा का कोट या टोकरी बनाने वाले राजा का किला के रूप में जाना जाता है। चंदन की नक्काशी से सजी स्तूप मध्य प्रदेश के सांची के स्तूप के समान है। आधार के चारों ओर लगभग 65 गज की दूरी पर स्थित ये टीला पूर्व की ओर से सीढ़ियों के साथ लगभग 17 फीट ऊंचा उठता है। पूर्व की दीवार के बीच में मध्य प्रवेश द्वार था जो स्तूप के ठीक बाहर जीर्ण शीर्ण बोर्ड प्रकट करता है। मुख्य प्रवेश द्वार में एक प्रकार की वेदी है जिसमें पत्थर के डिब्बे में बुद्ध की एक प्राचीन मूर्ति रखी गई है। अशोक के 14 शिलालेखों में से 8वें और 9वें शिलालेख स्तूप स्थल के पास पाए गए थे जो इस बात का पुष्टि करते हैं कि प्राचीन काल में सोपारा वास्तव में एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल था। बोर्ड के अनुसार जब सम्राट अशोक के पुत्र धर्मेंद्र और बेटी संघमित्रा बोधि वृक्ष की शाखाओं को लेकर बोधगया से श्रीलंका की यात्रा कर रहे थे तब वे सोपारा से गुजरे थे। स्तूप के पास एक झोपड़ी में रहने वाले स्थानीय लोगों में से एक ने कहा कि यहाँ पर हर शाम कुछ स्थानीय लोग आते हैं और शाम की हवा का आनंद लेने के लिए स्तूप की सीमा पर बेंचों पर बैठते हैं। पिछले कुछ वर्षों में तीर्थयात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है लेकिन बुनियादी ढांचा वही बना हुआ है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।